नमस्कार, करेंसी मॉर्निंग पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज 31 जुलाई। कल के सेशन में हमने यूएसडी आयरन में शॉर्ट कवरिंग बनते हुए देखा और प्राइजेस 75.10 के करीब जाता हुआ दिखाई दिया, बट ये हाई सस्टेन करते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं। जिस ढंग से हमने करेंसी में 2-3 बार देखा कि प्राइजेस हायर लेवल्स पे सस्टेन नहीं कर रहे हैं, जब तक 75.20 के ऊपर नहीं निकलता है, पॉसिबिलिटी है कि हम प्राइजेस में गिरावट देख पाए। और गिरावट हो सकती है आज के सेशन में दिखे, क्योंकि यूएसडी इंटरनेशनल में हमने एक बड़ी गिरावट देखी। कल जिस से डेटा पॉइंट आते हुए दिखाई दिए वो कहीं ना कहीं काफी खराब थे, और यूएसडी डॉलर इंडेक्स ने 93 का भी लेवल तोड़ते हुए 92.60 के करीब जाता हुआ दिखाई दिया। आज की ओपनिंग यूएसडी एनआर में करीबन 74.95 की होगी, और हो सकता है पूरे दिन में हम एक गिरावट का रुख ही देखे जो 74.80 तक का भी लेवल छू सकता है। वहीं यूरो की बात करें तो यूरो में भी हमने तेजी आती हुई देखी। जिस दिन से डॉलर की गिरावट है, कहीं ना कहीं यूरो आईएनआर को 1900 का लेवल भी क्रॉस करता हुआ दिखा दिया है। ओवरऑल हमें लगता है यूरो में तेजी का रुख रहेगा। आज की ओपनिंग 89 के ऊपर होगी और प्राइजेस हो सकता है 89.30-85 तक का भी लेवल दिखा दे। पाउंड की अगर बात करें तो पाउंड में भी हमने देखा डॉलर की गिरावट के चलते हमने इंटरनेशनल में 1.31 का भी लेवल क्रॉस कर चुके हैं। डोमेस्टिक मार्केट पे भी काफी टाइम से 97 के ऊपर सस्टेन नहीं कर पा रहा था, बट जिस दिन से कल के सेशन में हमने 97 का लेवल तोड़ के होल्ड किया है, ये कहीं ना कहीं संकेत देता है कि हम आज की ओपनिंग ही 98.40 के करीब होगी और अपसाइड में हम करीबन 99 तक का भी लेवल जीबीपी आईएनआर में देख पाएंगे। वहीं अगर येन की बात करें तो येन में भी हमने देखा कि डॉलर की गिरावट के चलते हमने एक बाउंस कंटिन्यू देखा है, जो कहीं ना कहीं संकेत देता है कि 71.40-71.50 के लेवल होल्ड करने पे हम अपसाइड में 71.90 तक का लेवल देख सकते हैं, और ये एक नया हाई बनता हुआ दिखाई देगा। तो 72 का भी लेवल आज के सेशन में हम क्रॉस करते हुए देख पाएंगे। ओवरऑल इंटरनेशनल में डॉलर में हमने कल काफी डेटा पॉइंट देखे, और डेटा पॉइंट की अगर बात करें तो कल एडवांस जीडीपी क्वार्टर ऑन क्वार्टर का डेटा काफी खराब आया था। नो डाउट एक्सपेक्टेशन से थोड़ा बेटर था, बट खराब आने की वजह से हमने डॉलर में गिरावट आती हुई देखी, और इसी का असर था कि सोने और चांदी में हमने तेजी आती हुई देखी। अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम में भी हमने एक्सपेक्टेशन से थोड़ा सा बेटर वर्क करते हुए देखा जरूर, बट ओवरऑल अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम भी खराब आते हुए दिखाई। तो ओवरऑल डेटा पॉइंट यूएस से अब खराब आना चालू हो चुका है, जिसके चलते डॉलर में आने वाले दिनों में और गिरावट बढ़ सकती है। वहीं आज के डेटा पॉइंट की बात करें तो सुबह मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई के आंकड़े चाइना से आए हैं जो अच्छे आए हैं, जबकि यूरो से आज जीडीपी के आंकड़े आने हैं, और यूएस से अगर शाम के सेशन की बात करें तो प्राइस इंडेक्स, पर्सनल स्पेंडिंग, एम्प्लॉयमेंट कॉस्ट, पर्सनल इनकम, चिकागो पीएमआई का डेटा, ये भी थोड़ा अच्छा आ रहा है। कंज्यूमर कॉन्फिडेंस का डेटा खराब है, तो काफी मिक्स से नेगेटिव का व्यू हम बोल सकते हैं। चार्टिकली भी अगर बात करें तो प्राइजेस 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर बिल्कुल सस्टेन नहीं कर पा रहा था। हमें लगता है प्राइजेस में अब गिरावट रहेगी, जो 74.70 तक का भी लेवल हम यूएसडीआर में देख पाएंगे। वहीं अगर जीबीपी की बात करें तो प्राइजेस ने 96.80 का जो इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल था ये तोड़ चुका है। इससे पहले हमने मल्टीपल ऑफ टाइम देखा कि प्राइजेस 96.80 के ऊपर सस्टेन नहीं कर रहा था। अब जिस ढंग से हमने स्ट्रांग मूव देखा है, हमें लगता है ये 99.30 तक का भी लेवल दिखा सकता है। कल के सेशन में हम एक वेबिनार रख रहे हैं, पहला है सीजनैलिटी और दूसरा है कमोडिटी रेशियो। इसके अंदर हम करेंसी भी कवर करेंगे। कमोडिटी रेशियो में हमें ये पता चलता है कि कौन सी कमोडिटी या कौन सी करेंसी आउट परफॉर्म आने वाले मंथ में कर पाएगी। तो आप लिंक नीचे दिया हुआ है, आप उस पर क्लिक करके पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप हमारा यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए। इस चैनल में आपको कमोडिटी और करेंसी के अपडेट टाइम टू टाइम आते रहेंगे। धन्यवाद।